हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सांबर बनाने जा रही हूँ और सांबर बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। आप देखना कि इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजीली और बहुत थोड़े समय में बन जाएगा। इसके लिए आपने ध्यान रखना है, हरहर की दाल ली है मैंने सबसे पहले, इसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। तो अगर हम इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे तो ये सब्जियों के साथ ही हमारी दाल भी जो है गल जाएगी, हम कट्ठी डाल देंगे। इसके बाद हमने लिए हैं वेजिटेबल्स, सीजनल आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मैंने ये बैंगन को ग्रेट कर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो आप घिया भी डाल सकते हैं, पेठा भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च काट ली है, ये इमली मैंने ली है, इमली को भिगो के रख दिया है खट्टास करने के लिए। इसके अंदर गाजर को मैंने काट लिया, एक कटोरी गाजर ली है, आधा कटोरी मैंने बीन्स ली है, एक आलू को काट लिया है, मटर आधा कटोरी, दाने आप चाहें तो फ्रोजन ले, बट इसमें फ्रोजन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कुकर के अंदर बनाना है। एक प्याज को बारीक काट लिया है और दो हमने टमाटर काट लिए हैं। नमक लिया है, हल्दी पाउडर और सूखे मसाले के अंदर हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है सरसों, काली सरसों हमने लिए तड़का लगाने के लिए। सांबर मसाला, हरी मिर्च को हमने लंबा लंबा काट लिया है, चार हरी मिर्च काटी है मैंने, आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्च डालें। कड़ी पत्ता मैंने सुखाया हुआ है, सूखा कड़ी पत्ता लिया, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। हींग ली है थोड़ी सी और कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, सांबर कैसे बनाया जाता है। कुकर हमने रख दिया है, कुकर को थोड़ा सा गर्म होने दे, फ्लेम हमने हाई कर दी है और ये दाल जो है दाल के अंदर से हम पानी को निकाल देंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे दाल, दाल के अंदर से पानी हमने निकाल दिया है, हमने जो दाल है वो 250 ग्राम ली है, आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले सकते हैं कम ज्यादा। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्जियां जो हमने काट के रखी है, ये अच्छे से हमने धो ली है काट के, गाजर, शिमला मिर्च, बैंगन, मटर, आलू, ये हमने सारी सब्जियां इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, अभी हम पानी इतना डालेंगे जिसके अंदर हमारी दाल और सब्जियां बॉयल हो जाए। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, एक छोटी चम्मच हमने भर के नमक इसमें डाल दिया है और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देते हैं, बाकी हम बाद में जब तड़का लगाएंगे इसको तब डाल देंगे। ये हमने इसके अंदर दो गिलास भर के पानी डाल दिया है और अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं इस तरह से। सबसे पहले हमने फ्लेम हाई कर दिया और एक विसल आने दे, प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया है, फ्लेम हाई कर दी है, जब एक विसल आएगी तो हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और 10 मिनट के लिए इसे हमने लो फ्लेम पे पड़े रहने देना है। उसके बाद हमारा ये सांबर जो है पूरी तरह से, सब्जियां जो हमारी पूरी तरह से बॉयल हो चुकी होंगी। 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे पड़े हुए, फ्लेम हमने बंद कर दिया और कुकर हम साइड पे कर देंगे। अब हम गैस ऑन करके एक पैन रख देंगे, पैन को थोड़ा सा गर्म होने पे हम इसमें डालेंगे तेल, तेल को हल्का सा गर्म होने दें, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो। तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, हरी मिर्च को हम फ्राई कर लेंगे, साथ ही हम एक साइड पे डाल देंगे हींग, सरसों और कड़ी पत्ता, इन सब मसालों को हमने भून लेना है। आप चाहे तो मिर्च लाल भी ले सकते हैं, मैंने इसमें हरी मिर्च यूज की है। फ्लेम हमने मीडियम कर दी है, इसको भूनने में हमें 1 से 2 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि तेल जो है हमारा गर्म है। आप देख रहे हैं मिर्च का कलर भी चेंज हो गया है और मसाले भी हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे कटा प्याज, 1 से 2 मिनट के लिए हम प्याज को मसालों के साथ भून लेंगे। फ्लेम हमने हाई कर दी है, प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, टमाटर आप ग्रेट भी कर सकते हैं, प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, आधा चम्मच हमने नमक और डाल दिया है क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, नमक और हल्दी सब्जियां बॉयल करते समय हमने नमक हल्दी डाल दिया था। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसमें हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, आप देख रहे हैं टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। जितनी देर में प्रेशर कुकर में से स्टीम निकलेगी उतनी देर के अंदर ये हमारा सांभर के लिए तड़का तैयार हो गया है। अब हम एक छन्नी के अंदर इमली को छान लेंगे, जो हमने इमली रखी हुई है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेते हैं, आप चाहे तो इमली को गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, मैंने इसे सिंपल पानी में भिगोया था लेकिन थोड़ी ज़्यादा देर भिगोना पड़ता है, गर्म पानी में हमें जल्दी तैयार हो जाती है इमली। फ्लेम हमने हाई कर दी है, इसमें हमने एक गिलास पानी डाल दिया है,
पानी को अच्छे से बॉयल होने दें, क्योंकि सब्जियों में हमने पानी कम डाला था तो इसलिए इसके अंदर हमने पानी और डाल दिया है। और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। कुछ लोगों को सांभर जो है वो पतला पसंद होता है, कुछ को गाढ़ा पसंद होता है, तो आप अपनी पसंद के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टीम जो है निकल चुकी है, आप इस तरह चेक कर सकते हैं। और हम एक बार देख लेते हैं कि सांभर जो है हमारा तैयार है। आप देख रहे हैं कि सारी सब्जियां और दाल जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गई है अच्छे से। इसे हमने लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रखा था। ये पानी जो है बॉयल हो रहा है और अब इस पानी को हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे हम दोबारा गैस पे रख देते हैं। आप देख रहे हैं कि सांभर जो है थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसके अंदर हम पानी गर्म करके डाल सकते हैं। ये हमने पानी गर्म कर लिया है, हम इसमें गर्म पानी डाल दें। अब इसके अंदर हम डालेंगे गर्म मसाला। आप इसके अंदर सांभर मसाले के साथ, मैंने सांभर मसाला डाला है, भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा कटा हरा धनिया। थोड़ा सा हमने गार्निश के लिए रख लिया है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो सांभर है वो बनकर तैयार है। इसे बनाने में हमें टोटल 15 से 20 मिनट लगे हैं और कोई मुश्किल नहीं है। हमने जो आपको तरीका सिखाया है वो बहुत ही इजी है और आप इसको किसी भी टाइम घर पे बना सकते हैं और सांभर का स्वाद जो है घर पे ले सकते हैं बनाकर। इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पड़े रहने दें ताकि इसको एक बार अच्छे से और उबाला आ जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी और डाला है। सांभर हमारा बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं कि सांभर कितना अच्छा बना है। इसे हम थोड़ा सा हरा धनिया डालकर सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत इजी है और आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसे आप चावल के साथ, इडली के साथ, वड़े के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं और आप किसी भी ओकेजन पे इसे बनाकर किसी के भी आगे परोस सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।